हम दुखी हैं या हम खुश हैं, ये सारी बातें हमारे दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी घटना से मान लीजिए किसी को कुछ मिल जा रहा है तो आप ये सोच के दुखी हो रहे हैं, उसे मिल गया हमें क्यों नहीं, या किसी को नहीं मिल रहा है तो ये सोच के दुखी हो रहे उसे मिलना चाहिए था क्यों नहीं मिला। तो ये जो दोनों ही स्थिति में आप दुखी हो रहे हैं, या किसी को मिल गया तब भी खुश है क्योंकि उसे मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिला तब भी खुश है कि उसको नहीं मिलना चाहिए और आपको मिलना चाहिए, या उसको नहीं मिलना चाहिए, दोनों स्थिति में आप खुश हैं। ये कहने का सीधा तौर पर अर्थ है कि ये आपके मन को खुश और दुख जो है आपके मन के का एक व्यवहार जो है उस घटना के प्रति है वो उसे करता है। अगर मान लीजिए अपने मन को आप बदल लेते हैं तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि घटनाएं दो तरह की होती है, या तो अच्छी होती है या बुरी होती है, जैसे दिन होता है या रात होता है, लोग या तो किसी को देना चाहते हैं या किसी से लेना चाहते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब देने और लेने अगर से अगर हम घटना को जोड़े अपने आप के मन को, तो मन कभी न कभी किसी बात से दुखी होंगे, किसी न किसी बात से खुश होंगे, और ये हमेशा होता रहेगा। लेकिन हम मन को अगर इस तरह से बना ले कि हम उस बातों में आए नहीं, हम अच्छा करते रहने के आतों में आए नहीं, तो हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और इस स्थिति को ही लोग बोलते हैं, बहुत सारे धर्म की किताबें बोलते हैं मोक्ष है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, सपोज कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कहेगा अरे इससे पढ़ाई करो तुम्हारी सेहत ही खत्म हो जाएगी, फिर आप कोई कहेगा कि अच्छा पढ़ाई करो कितनी खुशी बात है, अच्छी बात है, तुम खूब मेहनत कर रहे हो। तो कहने का मतलब आपका एक काम है पढ़ाई करना और उस पर दो तरह के रिएक्शन आ रहे हैं कि हाँ कितना करोगे तुम्हारी तबीयत ही खराब हो जाए, पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये करेंगे नहीं, पढ़ाई करना अच्छी बात है, तुम पढ़ो बहुत बढ़िया बात है, मन लगा, इनकरेज कर रहा है डिसकरेज कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब इनकरेज और डिसकरेज से बिना प्रभावित हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये आप आगे जाकर सफल होंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब आप इन चीज़ों से प्रभावित होने लगते हैं तो फिर आपको नैया डुबा देता है। ऐसे दुनिया में लोग ही हैं जो कुछ कहेंगे बहुत अच्छी बात है, कुछ कहेंगे बहुत खराब बात है। इसलिए भगवान बुद्ध इसी क्रम में कहे कि आपको दुखी कोई तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आपका दिमाग उसे करने न दे। इसी बात को समझाने के लिए वीडियो बना हुआ है कि आपका दिमाग जब तक किसी चीज़ को होने नहीं देगा आपको नहीं हो सकता है। तो अगर अपने दिमाग को बदल लेते हैं, अपने दिमाग के विचार सोचने के तरीका को बदल देते हैं, तो फिर आपको दुखी करना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। घटनाएं हमेशा होती रहती है, कुछ अच्छे लोग भी हैं कुछ बुरे लोग भी हैं, 10-20% बहुत ही अच्छे लोग हैं, 10-20% बहुत ही बुरे लोग हैं। समाज सभी तरह के लोगों से बना हुआ है, घटनाएं सभी तरह के अच्छी, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं दिन रात परेशान भी कर रहे हैं। केवल हमारे इस वीडियो के माध्यम से होता है कि ऐसे लोगों की संख्या को बढ़ाया जाए जो कि लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लोग दुखी नहीं हो, लोग परेशान नहीं हो, लोगों को ये बताया जाए कि उनका दिमाग बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आप खुद तुम नहीं होने दोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें एक कहानी है, भगवान बुद्ध के साथ जो है एक आदमी जो भगवान बुद्ध के बारे में बहुत बुरा सोचते थे, वो आए और भगवान बुद्ध को उल्टा पुल्टा बहुत सारी जो भी बात नहीं बोलना चाहिए बोल दिए, या हो सकता है गाली बोल दिए। तो उसके बाद वो आदमी चले गए, फिर वो आदमी जब भगवान बुद्ध ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, अगले दिन उनको किसी कारण बस बहुत परेशानी में थी तो भगवान बुद्ध के ही शिष्य या उनको मदद कर दिए, उनको हेल्प कर दिए भगवान बुद्ध के कहने पर। तो उस आदमी को बड़ा पश्चाताप हुआ और वो आए भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे, तो आदमी बोलने लगा बार बार कि भगवान बहुत गलती होगी, माफ़ी मांगते हैं, ऐसे वैसे मैंने अपने बारे में बताने लगे कि मेरा कितने मेरी भूल हो गई कि आपके जैसे लोगों को हमने ऐसा कह दिया। फिर भगवान बुद्ध कुछ बोल नहीं रहे थे तो उन्हें रहा नहीं, बार बार पूछ रहे, तो भगवान बुद्ध कहा कि हमने तो तुम गाली दिया ही नहीं। तो बुद्ध कहा ऐसे कैसे, हम तो आप गाली दिए, आप सुने भी, आप थे भी। कहा कि हमने नहीं दिया क्योंकि हमने तुम्हारी गाली को लिया ही नहीं, इसलिए हमें माफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम खुद में ही, तुम अगर पश्चाताप कर लिए हो तो तुम्हारा माफ़ तो खुद ही हो गया।
इसमें हमने जरूरत भी नहीं है, ना हमने तुम्हारा गाइड लिया ना हमें माफ करने है कोई, ये सवाल उठता है। तो ये जो सोच भगवान बुद्ध की थी, ये सोच दिमाग की होनी चाहिए कि अगर दूसरा कोई आपको क्या कह रहा है, अगर आपका दिमाग जब तक उसको अलाउ नहीं कर रहा है तब तक आपको उसका दिमाग आपको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए अपनी खुशी को जो है इन बातों में अच्छे बुरे लोगों के बीच में मत छोड़िए। अच्छे लोग अच्छा कहेंगे, बुरे लोग बुरा कहेंगे, अच्छे से अच्छा होगा, खुश हो जाएगा तो बुरे से दुखी होना ही पड़ेगा। और इस तरह दिन भर आपका जीवन जो है उल्टा पुल्टा होता रहेगा, परेशान होते रहेंगे और ऐसा ही दिन भर लोग लगा रहता है। इसलिए अपने काम को मन से कीजिए, अपने काम ऐसे कीजिए जिससे कि लोगों का फायदा हो, समाज को फायदा हो, संसार को फायदा हो और खुद का भी फायदा ही हो उसमें। जैसे कि बच्चा अच्छा से पढ़ाई करता है, कोई चिकित्सक अच्छे से इलाज करते हैं, कोई इंजीनियर अच्छा काम करते हैं, कोई टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई रोड अच्छा बनाया जा रहा है, कोई स्कूल अच्छा बनाया जा रहा है, बिजली का सप्लाई अच्छा कर रहे हैं बिजली के वाले इंजीनियर, ये जो है अच्छी चीज़ है। पर लेकिन प्रभावित मत होइए, क्योंकि यही हम बस कहना चाह रहे हैं कि आजकल ऐसे ऐसे कुछ देश में घटनाएं होती रहती है जिससे कि हम लोग प्रभावित होते रहे, बहुत दुखी होते हैं, बहुत नाराज होते रहते हैं कि वो गलत है, ये गलत है, वो सही है, और इस तरह से हमारा दिमाग जो बिल्कुल प्रभावित होते रहता है। हम अब जब अखबार पढ़ते हैं चाहते हैं हमारे हम जो चाहते हैं वही न्यूज़ मिले, और न्यूज़ ऐसा न्यूज मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, उसका उल्टा मिल जाता है तो हम दुखी भी हो जाते हैं साथ साथ। तो इस तरह से मेरा कहना है कि अपने दिमाग को उनके ऊपर मत छोड़िए, अपने दिमाग को अपने पास आने के लिए जो ट्रेन कीजिए, समझाइए, अभ्यास कीजिए कि हाँ किस तरह से भगवान बुद्ध जिस तरह से कहते कि आपका दिमाग तब तक दुखी नहीं हो सकता जब तक आप खुद नहीं चाहे। लेकिन हम लोग का हैबिट ऐसा होता है कि हम चाह के भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरह से रिएक्ट करने का आदत डाल दिया है, ये चीज़ अच्छा ये चीज़ बुरा, ये चीज़ अच्छा ये चीज़ बुरा, ये चीज़ अच्छा ये चीज़ बुरा, डुअलिज्म बोलते हैं उसे। जैसे पार्टी में ही हुआ तो पॉलिटिक्स हो, ये पार्टी अच्छी ये पार्टी खराब, ये पार्टी अच्छा ये पार्टी खराब, लेकिन इस तरह नहीं होते। हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ बुरे काम करते हैं, या कोई काम करते हैं जिससे कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को घाटा होता है। तो इस तरह चलता ही रहता है, ये सिलसिला हमेशा से चलता है, हमेशा चलता रहेगा। आपको केवल ये सीखना है कि आप अपनी खुशी को अपने अंदर रखें, बाहरी चीज़ प्रभावित होने दें, और खुशी अपनी खुशी को अपने अंदर से खोजें, अपने अंदर अपने दिल की बात सुने और हमेशा खुश रहें। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इन बातों को हो सकता है ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखिए और लोगों को बताइए कि जो हम बात कर रहे हैं कि आप जब खुश रहते हैं तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और आप जो भी काम करते हैं उसमें ज़्यादा कर पाते हैं बिना थके हुए, बिना परेशान हुए। और इस तरह के वीडियो के से जो भावना निकलती है, उस भावना को सुनने से मन में एक पीसफुलनेस आता है, शांति आता है, और जब हम शांत होते हैं तो हमारा काम करने का स्ट्रेंथ ताकतें बढ़ जाती है। इसी के लिए वीडियो हम बना रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे कुछ लोग इसे सुने। लेकिन हम अगर आप हमें सुन के अच्छा आपको होगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम वीडियो में बताया है कि अच्छे और बुरे से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बदलाव नहीं लाना है, खुश तो अपने आप से ही होते रहना है। धन्यवाद।